बालिका सुरक्षा अभियान व ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए मंगलवार को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा व महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह बैंक रोड स्थित एडी कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचे और स्कूली छात्राओं को बालिका सुरक्षा अभियान और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि अपने अभिभावक को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि हेलमेट लगाकर बाइक चलाने से अगर संयोगवश कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जिंदगी को सलामत रखा जा सकता है। इस मौके पर महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा कि मनचलों एवं शहदों से डरने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर में पुलिस का कड़ा पहरा है, फिर भी अगर कोई घटना घटती है तो 100 नंबर या 1090 पर फोन कर किया जा सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गोरखपुरनी से बात करते हुए महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह व एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, ये जुलाई में चल रहा है हम लोगों का बालिका सुरक्षा अभियान, उसमें बालिकाओं को उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग पूरे जुलाई माह में बालिकाओं के जितने भी स्कूल हैं, मैक्सिमम जितने हो पाएँ उनमें जाके बच्चों को जो हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि वो लोग कभी भी जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ले सकें। पुलिस के प्रति जो बालिकाओं में डर है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत आज हम लोग एडी बालिका इंटर कॉलेज में गए थे और बच्चों को उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि वो जागरूक रहें और उनसे एक मित्रवत पुलिस के प्रति मित्रवत रहें, ये भी बताया गया। एक्चुअली हम लोगों ने आज एडी कॉलेज में जाके यातायात के संबंध में बच्चों को जागरूक किया है। ये हम लोगों का निरंतर अभियान है कि बच्चे ही आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, तो वो अपनी सुरक्षा के विषय में जागरूक हों और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षा के विषय में जागरूक कराएं। इसी दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक एडी कॉलेज में जाके बच्चों को यातायात के विषय में निर्देशित किया। कुछ खास बताया गया उनको? उनको यही कि हेलमेट का क्या महत्व है, हेलमेट क्यों धारण करें, अपने माता पिता को हेलमेट धारण के लिए प्रोत्साहित करें, अपने भाइयों को प्रोत्साहित करें और स्वयं भी जब वाहन चलाएँ तब हेलमेट धारण करें।